मेरा जिस्म में इमाम हुसैन का खून है और ख्वाजा मौदूद चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दादा मुर्शिद के खून की मेरा जिस्म में है, यानी मैं उनके औलाद से हो, उनकी जानशीन हो। मैंने तक हबी किसी साहबी की शान में गुस्ताखी नहीं किया और नहीं करूंगा। सभी साहबी हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सितारे हैं, साथ दिया, यहाँ तक जान को भी कुर्बान किया, माल को भी कुर्बान किया, इस्लाम की चराग को रोशन किया, लेकिन सभी का मोहब्बत है। जो मुनाफिक लोग गइबत करते हैं, जो लोग हमेशा यही उंगली उठाते हैं कि वो हज़रत अली और इमाम हुसैन का तारीफ बहुत करते हैं क्योंकि सहाबी का नाम नहीं लेते हैं। मैंने इमाम हुसैन को, मेरा दादा है, इसी वजह से मैं उसको बहुत प्यार करते हूँ क्योंकि जन्नत की सरदार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत की सरदार, जन्नत की सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन है, यही आदित शरीफ में है। और मेरा दादा है, मोहब्बत करते हो, जान भी उसके कुर्बान। जब तक इमाम हुसैन के इश्क मेरा दिल में है, हर किसी का इश्क का जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को रिस्पेक्ट देते हो। किसी सहाबी, किसी भी वली, सभी का रिस्पेक्ट अदब हमेशा करते हो। जो किसी को, किसी सहाबी को, किसी इंसान को, उसको बेअदबी करते हैं, गाली देते हैं, वो मुसलमान इस इंसान भी नहीं हो सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखें। मुनाफिकत करने के बजाय मोहब्बत करें। मोहब्बत से पत्थर भी गौहर बन जाते हैं। और YouTube को भी लाइक करें और YouTube को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको पहुंच सके। यह जो वीडियो में पत्थर से इंसान का हर बीमारी का इलाज, दफ जादू मरस, रिमूव द मैजिक, अल्लाह के वली हजरत शम्सुद्दीन तबरीजी ने फरमाया, जो हर तरह परेशानी में मुब्तला है, घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, जादू जन्ना से परेशान है, उसकी शादी नहीं हो रही है, अच्छी रिश्ता नहीं मिल रहा है, और जो दूसरे मुल्क में जाने चाहते हैं उसको वीजा की प्रॉब्लम है, और जो उसका केस दूसरे मुल्क में कबूल नहीं हो रहे है, घर में घर वाले के साथ मोहब्बत नहीं है, झगड़ा है, हर तरह बीमारी है, जिस तरह मुसीबत, जिस तरह आजत है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आजत कबूल हो जाए, आप मन्नत रखो, नजर रखो, अगर आपकी आजत कबूल हो जाए। मैंने ख्वाजा जरीफ चिश्ती का मदरसा मरकज तालीमात सूफिया को पैसे से सुपुर्द करूंगा। इतने पैसे बच्चों के मदरसे के लिए ही, मदरसे की तहमीर के लिए ही, जो परचा में सुन्नियत, परचा में इमाम हुसैन, परचा में आले बैद को जिंदा रखने चाहते हैं, हमारा मदरसा को सुपुर्द करें, मेरा मिशन को सपोर्ट करे ताकि मैं दुनिया में सुन्नियत का परचम को बुलंद करो। एक बड़ा मदरसा हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है मदरसा ख्वाजा जरीफ चिश्ती, मरकज तालीमात सूफिया, मरकज तालीमात इमाम हुसैन। अगर आपको जकात है, सदकात है, जो भी देने वाले हो, हमारा सपोर्ट करने के लिए ही हमारा व्हाट्सएप नंबर यह है, ये व्हाट्सएप को मैसेज करो, लिख दो, हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, हमारा मदरसा को सपोर्ट करें। अल्लाह सुब्हान तआला सबका आपकी दुआ कबूल करेगा। आपकी जिंदगी से हर बला, हर मुसीबत भी आने वाला होगा, सब खत्म हो जाएगी। हमारा दुआ है जो हमारा सपोर्ट करे, अल्लाह उसको दीनों दुनिया से मालामाल करे।
हजरत जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के परदादा पीर की औलादों में से हैं, और जैसा ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवानी और उनके पीरो मुर्शिद हजरत शरीफ जंदानी और उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा अबू मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में आपका नसब है। और सरकार का पूरा नाम जो है हजरत ख्वाजा जरीफ चिश्ती सरकार। और हिंदुस्तान के खास मैं ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरजमी के लिए ये बाइस बरकत है, क्या वो चिश्त घराने के पहले बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज का फैज हिंदुस्तान में जारी और सारी है आज भी, और उसी ही वो चिश्त घराने के फिर बुजुर्ग हमें अता हुए और हमें फिर ये समझो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही दूसरे बुजुर्ग हमें अता किए गए। तो हजरत ख्वाजा जरीफ चिश्ती हमारे हिंदुस्तान में आपकी आमद हुई और हम हिंदुस्तान के और भाग जग गए हैं, और किस्मत बुलंद हो गई है कि दूसरे खानवादाए रसूल के फर्द हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए हुए हैं। हरकत में मुबारक उनके लगे हुए हैं और हम गुनाहगारों की तकदीर सवर गई।